हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे सब, और अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पांड्या स्टोर के आज के एपिसोड्स के कुछ हाईलाइट, कुछ अपडेट। तो दोस्तों, अगर आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जहाँ पीछे थे कि मतलब सुमन जो है इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दी है, मतलब सबसे पूछ रही है, क्रिश को पहले पकड़ती है, देन फिर वो धरा से पूछती है कि मतलब सच बोल, बट धरा बोलती ही रहती है और हकलाती रहती है, तो फिर सुमन उसे बोलेगी कि तू हकला रही है, इसका मतलब तू झूठ बोलने वाली है, तो मुझे झूठ बिल्कुल नहीं सुनना है। तो अभी वो कुछ बोलती ही नहीं है, जब फिर सुमन उसे अपनी कसम दे देती है तो फिर धरा जो है वो चुप हो जाती है। तभी प्रफुल्ला बोलेगी सुमन को कि तुम आप उससे क्यों पूछ रही हैं, आप ऋषिता से पूछिए, ये बताएगी, ये भी तो थी यहाँ पे। तो फिर वो ऋषिता से पूछने लगेगी, फिर देव जो है वो आगे आएगा, वो ऋषिता को पीछे कर देगा, और फिर वो मतलब कुछ कहानी गढ़ेगा कि पिज्ज़ा, मतलब जब पहली रसोई हुई थी तो ऋषिता ने पिज्ज़ा बनाया था जिसे खा के सारे लोगों का पेट खराब हो गया था। मतलब वो ऋषिता को एक तरीके से मतलब ब्लेम करेगा, तो ऋषिता जो है वो और गुस्सा हो जाएगी। दूसरी तरफ मतलब सभी मिलके बात को संभालने की कोशिश करेंगे, देन फिर मतलब उसको रियलाइज होगा सुमन को कि अगर प्रफुल्ला के सामने ये सारी मतलब जो भी है बातें सामने आएंगी तो वो फिर मुझे टीज करेगी, फिर मुझे मतलब बोलने से पीछे नहीं हटेगी, तो उससे अच्छा है कि मैं अकेले में पूछूं। फिर वो धरा को दूसरी तरफ लेके जाके पूछने की कोशिश करेगी, तो वहां भी प्रफुल्ला पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों सुमन जो है वो नजर आने वाली है धरा को प्रोटेक्ट करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए। मतलब जब प्रफुल्ला बोलेगी कि मतलब ऐसे ये बहू है, मतलब इसने आपके बिना यहाँ रहते हुए भी पहली रसोई कर ली और बहुत सारी चीजें, तो सुमन जो है वो थोड़ा उसका साथ देगी, कहेगी कि ये मतलब इन दोनों ये बहू नहीं है, ये इन दोनों बहुओं की सास भी है, मेरी असिस्टेंट है, इस टाइप से करके वो प्रोटेक्ट करेगी। धरा को थोड़ा अच्छा फील होगा, गौमी को भी अच्छा फील होगा, मतलब सभी लोगों के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो टोटल मतलब यही ड्रामा आज भी होने वाला है, और उसके बाद फिर अनीता को वो बोलेगी कि मुझे लेके चल, तो अनीता जो है वो उसे हाँ माँ करके बुलाने वाली है, मतलब वो अपनी चाल में एक कदम आगे बढ़ने वाली है। तो मतलब सुमन भी एक बार सोचेगी, फिर वो बोलेगी कि मतलब उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा है कि प्रफुल्ला जो बेटी बेटी करती रहती है तो उसका बेटी का जड़ा भूत उतारा जाए, तो इसलिए वो बोलेगी कि ठीक है तू मुझे माँ बुला सकती है। लेकिन ये बात धारा को थोड़ी सी रास नहीं आएगी, वो थोड़ा सा मतलब उसको बुरा लगेगा कि मतलब वो भी माँ कह रही है और माँ कुछ नहीं बोल रही है, और बाकी लोग भी थोड़े शॉक रहेंगे। बट मतलब फिर उसके बाद अनीता उसको वहां से लेके चली जाएगी। दूसरी तरफ रावी जो है वो क्रिश को डांटती हुई मारती हुई नजर आने वाली है कि मतलब तूने ही सारा कांड किया, और तूने ही मतलब तू ही माँ को सब कुछ बताने जा रहा था, और अगर ये सारी बातें खुल गई तो धरा भाभी हमें छोड़ के चली जाएगी। मतलब रावी को बहुत ज्यादा टेंशन इस बात का कि धरा छोड़ के चली जाएगी, वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, जैसे बाकी लोग करते हैं धरा से। तो टोटल मिला के यही मैच चलने वाला है, मतलब पूरे उसमें आप लोगों को फिर से कल वाला ही प्रोमो आज भी देखने को मिलेगा, जहां पहली रसोई का गिफ्ट देती रहेगी मतलब सुमन दोनों बहुओं को। उसके बाद वहां पे ऋषिता का जो नाटक कि मतलब आप लोग क्या एकता करते रहते हैं, और उसके बाद वो शुरू करने वाली है अपनी कहानी। तो क्या मतलब वो गुस्से में अपनी मतलब ये सारी चीजें जो हुई है वो कह देगी, और अगर कह देती है तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या सुमन धरा को घर से निकाल देगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि सुमन ही सब धरा ही सब कुछ ठीक कर सकती है। बाकी अनीता अपने प्लान में कहां तक सक्सेस होती है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आज दोस्तों शिवा और रावी के फैंस के लिए थोड़ी सी मतलब वो है कि उन लोगों के मूवमेंट आज आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आज आप लोगों को उन दोनों का मूवमेंट नहीं, लेकिन हाँ घर के मतलब जो इशू चल रहा है ये देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। जरूर देखिएगा एपिसोड और मुझे बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, थोड़ा मिस करेंगे आप लोग इन दोनों के मूवमेंट को, बट हाँ क्रिश और जब रावी जो होती है वो धरा के लिए अच्छा स्टैंड लेती है, ये सारी बातें जब शिवा को पता चलेंगी तो फिर शिवा भी मतलब उसको देख रहा है कि वो फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रावी के लिए एक अलग सी फीलिंग निकले जागेगी, मतलब एज अ हस्बैंड या फिर कह लीजिए मतलब एज अ दोस्त। हो सकता है कि अब आगे चल के इन लोग रिलेशनशिप पे मतलब
हम लोगों को इन लोगों दिन दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा अच्छा देखने को मिले। तो चलिए मिलती हूँ अगली अपडेट के साथ, जैसे मुझे कुछ अपडेट मिलती है, नहीं तो सीरियल के बाद। फिर चलिए आप लोग आज का सीरियल देखिए, कैसा लगता है मुझे जरूर बताइएगा। मेरी कमेंट्री अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा, वैक्सीन ले लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।